वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं यूपी टेट और सीटेट के लिए या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर्स के लिए जो आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट TET से संबंधित है उनके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये है आपका मनोविज्ञान बाल विकास शिक्षण शास्त्र, आप बोल सकते हो शिक्षा शास्त्र आप कह सकते हो। इसमें हम बात कर रहे थे अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में, यानी कि आपका मोटिवेशन एंड लर्निंग एग्जैक्टली है क्या, ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, इनमें संबंध क्या है, यानी कि रिलेशन इन नीड ड्राइव एंड इंसेंटिव, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और ये आपको चित्र भी मैंने बताया था यहाँ से। आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। इस टॉपिक से आपका अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ बच्चों ने बोला कि अभी जो व्यक्तित्व है एग्जैक्टली पर्सनैलिटी वो आपका चैप्टर बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो अभिप्रेरणा के प्रकार दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। यहाँ पर बाकायदा मैंने आपको जो है एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा ही बता दिया है कि वो सारी चीज़ें आपके मोटिवेशन में, जब आप एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल मोटिवेशन की बात करते हो तो वो कैसे होंगे, क्या कुछ होंगे उसमें। प्राकृतिक में देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, मनोदैहिक प्रेरणाएँ, दूसरी सामाजिक प्रेरणा होती है और एक होती है आपकी व्यक्तिगत प्रेरणा। ये है अभिप्रेरणा के प्राकृतिक प्रकार में। वहीं जब आप कृत्रिम प्रकार की बात करते हो, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद से अभिप्रेरित कर रही होती हैं, सामाजिक व्यक्तिगत मनोदैहिक जो क्रियाएं होती हैं या प्रेरणाएं वो आपको खुद से प्रेरित कर रही होती हैं। जबकि कृत्रिम में क्या होता है, आपको कोई बाहर से प्रेरित करता है पुनर्बलित करता है किसी भी काम को करने के लिए। पहला इसमें दंड और पुरस्कार, आपको पुरस्कृत किया, आप अभिप्रेरित हुए और आगे बढ़े। मैंने आपको बंडूरा का सिद्धांत बताया है, अल्बर्ट बंडूरा का, उसमें जैसे ही वो बच्चा पुरस्कृत होता है या किसी को भी आप पुरस्कृत करते हो तो वो और अच्छा काम करने के लिए अग्रसर होगा, अग्रसरित होगा या आगे बढ़ेगा। सहयोग की भावना, अगर आपको सहयोग मिलता है तो भी आप आगे बढ़ते हो, ऐसे में अभिप्रेरित होते हो। लक्ष्य आदर्श हो गया तीसरा। चौथा है अभिप्रेरणा में परिपक्वता, मैच्योरिटी इन मोटिवेशन। पाँचवा लिखा हुआ है अभिप्रेरणा व फल का ज्ञान, ये बात यहाँ से निकल के आएगी, एक रिजल्ट क्या निकला, आप समझ रहे हो। रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो आप और अभिप्रेरित होते हैं, थोड़ा सा भी नेगेटिव अगर रिजल्ट आता है तो आप डीमोटिवेट होने लगते हैं वहाँ पे या हो जाते हैं। छठा पॉइंट है पूरे व्यक्तित्व को लगा देना, जितना भी आपका जो पर्सनैलिटी वाली जो भी बात है पूरी चीज़ को पूरा जोर लगा देना आप कह सकते हो। व्यक्तिगत कार्य भी इसमें देखने को मिलता है, प्रेरणा व सामूहिक कार्य प्रेरणा ये भी इसमें जो है शामिल होती है। अच्छा, इतनी तो चीज़ें हो गई। जब आप बात करते हो एक सामान्य से वर्गीकरण को लेकर के, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है जो मनोवैज्ञानिक थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कैसे डिवीज़न किया है मोटिवेशन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैस्लो ने क्या किया है, मैस्लो महोदय ने समस्त अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा है। इन्होंने कहा दो ही आपके मोटिवेशन या एक जो अभिप्रेरक होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है जन्मजात, बाई बर्थ जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हमेशा से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपका जब आप बात करते हो लाइव क्लासेस में मैंने उसमें क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। जन्मजात अभिप्रेरक जैसे भूख है, प्यास है, चेतना, नींद हो गई, सेक्स वगैरह की बात हो गई, भाव, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। आदत इसमें शामिल नहीं है, आदत आपका अर्जित है, कहते ना कि बुरी संगत में पड़ जाना बाद में आदत लग गई और सारी बातें, तो यहाँ पर आदत आपका अलग है, उसको मैंने काटा हुआ है। बाकी भूख है, प्यास है, चेतना, नींद और ये सारी चीज़ें हैं क्या, आप जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी, किसी भी व्यक्ति में आप लेकर के बात करो, लड़का या लड़की किसी में भी। अर्जित की अगर बात की जाए, आदत, अभिवृत्ति, रुचि, ढंग, व्यक्तिगत अभिप्रेरक, जबकि सामाजिकता जो है वो सहानुभूति आदि जो है वो सामाजिक अभिप्रेरणा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अर्जित में भी दो प्रकार से हैं, अभी आपने देखा सामाजिक और बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, जो दैहिक करके लिखा था ना, कहाँ गया ये वाली जो मनोदैहिक प्रेरणाएं लिखी है ना, वो मनोदैहिक जो है वो यही जन्मजात वाली हैं, भूख, प्यास, चेतना और भी बाकी सारी चीज़ें। अर्जित में कुछ तो व्यक्तिगत होती हैं प्रेरणाएं, जैसे आदत हो गई आपकी, अभिवृत्ति, रुचि या ढंग, आपका तरीका, आपका इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ है जब सामाजिकता की आप बात करते हो, सोशलिज्म वाली बात हो गई, सहानुभूति दिखाना किसी के प्रति। अब किसी के प्रति अगर आप सहानुभूति दिखाओगे तो वो कहाँ होगा पर्सन, वो पर्सन जो है वो समाज में ही होगा ना, ऐसे में सामाजिक अभिप्रेरणा जो है वो आपको आप में देखने को मिलती है। ये मैस्लो महोदय का डिवीज़न था दो भागों में। थॉमसन महोदय ने भी दो भागों में बांटा हुआ है,
एक इन्होंने प्राकृतिक अभिप्रेरक कह दिया है। प्राकृतिक अभिप्रेरक मतलब मनोदैहिक जो अभिप्रेरणा वाली बात थी वही है पूरा, भूख प्यास नींद सुरक्षा, ये क्या है प्राकृतिक अभिप्रेरकों में देखने को मिलते हैं, जो कि थॉमसन महोदय ने जिसे डिवाइड किया है। एंड द सेकंड वन इज कृत्रिम, जो वातावरणीय प्रभावों से व्यक्ति में उत्पन्न होता है, ओके, बाद में, जिसे आप अर्जित उत्प्रेरक भी बोलते हो। क्या बोलते हो? अर्जित उत्प्रेरक, यानी पहले बाद में जिनका अर्जन किया गया है, जिनको गेन किया गया है। अभिप्रेरणा की कुछ प्रविधियाँ होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। बच्चों के अधिगम गति को अभिप्रेरणा द्वारा तीव्र किया जा सकता है। आप समझ रहे हो, अधिगम गति को मतलब उनके सीखने की जो गति है उसको आप फास्ट कर सकते हो अभिप्रेरणा से। और इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ प्रविधियाँ हैं जो कि नीचे लिखी गई हैं। आपको बस इनको जानने भर की ज़रूरत है, बाकी आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे पुनर्बलन है एग्जैक्टली, कुछ ऐसे ही यहाँ पर ये चीज़ काम कर रही होती है। पुरस्कार और दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, जब आप बात करोगे तो इसमें दोनों से ही बच्चा पुनर्बलित होगा। आप थोड़ा सा डराओगे ना उसे, दंड मतलब ऐसा ही नहीं कि डंडे से पीट दो जो है ना, थोड़ा सा आप डराओगे, आपने खड़ा कर दिया बच्चे को क्लास में, तो भी वो कहेगा अच्छा लो पढ़ लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो है क्लास में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। प्रशंसा और निंदा वाली बात, प्रेज एंड रिप्रूफ, कक्षा का वातावरण एनवायरमेंट ऑफ द क्लास, बहुत ज़रूरी होता है कि कक्षा का वातावरण है कैसा। कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं समस्यात्मक बालक बैठा हो, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, समझ रहे हो आप उसे, है ना, वो समस्यात्मक बालक, उनको खुद को समस्या नहीं होती है, वो दूसरे के लिए समस्या पैदा करते हैं, ठीक है। नवीनता, नोवेल्टी, ये भी ज़रूरी है। प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। सफलता व असफलता, सक्सेस एंड फेल्योर, बहुत डिपेंड करता है। सक्सेस फेल्योर जो अभिप्रेरणा के लिए या अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करता है ऐसे उसमें। आवश्यकता का ज्ञान, आकांक्षा का स्तर, आकांक्षा जानने की जो इच्छा वाली बात होती है, इसका स्तर क्या है, लेवल क्या है। प्रतियोगिता व सहयोग, यहाँ पर प्रतियोगिता को लेकर के अगर बात की जाए, सहयोग की भावना अगर बच्चे को मिली, अगर आपने कंपटीशन वाली बात दिखाई तो भी बच्चा सीखेगा, भले वो वहाँ पर कंपटीशन में हार जाए लेकिन अधिगम जो है वो पॉजिटिव होगा। कहते हैं ना कि चलो ठीक है हार गए तो क्या हुआ, कुछ सीख तो मिली वहाँ से, हमने कुछ सीखा तो जो आगे हमारे काम आएगा, एक्सपीरियंस तो हुआ इस चीज़ का, ठीक है, आगे हम उस चीज़ में सुधार करेंगे। परिचर्चाएँ होती हैं, सम्मेलन होते हैं, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, उसके माध्यम से भी आप अधिगम को बढ़ावा दे सकते हो। शिक्षा में क्या कुछ महत्ता है, मोटिवेशन की वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पर। आपको मैं बता दूँ, सीखना सबसे बड़ी बात है। जब आप बात करते हो शिक्षा में अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में, तो सीखना, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होते हो, और अधिगम वाली बात तो ज़रूर देखने को मिलेगी जब आप अभिप्रेरणा के बारे में बात करते हो। वो आपकी केवल शैक्षिक जगत से ही संबंध नहीं रखता, जो आपका व्यक्तिगत जीवन है, सामाजिक जो पारिवारिक जीवन है, वहाँ से भी आपका वो संबंध रखता है, ओके। लक्ष्य की प्राप्ति, अब अधिगम होगा, आपका एक उद्देश्य होता है, ठीक है, उद्देश्य और फिर उसमें लक्ष्य की प्राप्ति, आपने जो आपका गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो आपने अचीव किया। चरित्र निर्माण, आपको किसी ने मोटिवेट किया कि बेटे ऐसे नहीं, ये नीतिगत बातें हैं, ये बातें ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए बातें, ऐसे में करेक्टर फॉर्मेशन वाली भी बात देखने को मिलेगी। अवधान, अवधान मतलब होता अटेंशन, जिसको आप ध्यान भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप? ध्यान, ठीक है, वो आपका ध्यान भी होता है। तो अवधान वाली बात, जब भी आप अभिप्रेरित होगे, कोई आपको अभिप्रेरणा अभिप्रेरित करेगा, ऐसे में जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आप ध्यान ज़रूर लगाओगे। अध्यापन विधियाँ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं। पाठ्यक्रम को, सिलेबस को लेकर के बात की जाए, तो अभिप्रेरणा से जो सिलेबस वाली बात है, अभिप्रेरित करोगे बच्चों को जो है वो सिलेबस आपका जल्दी से कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ ना कि आप थोड़ा सा कुछ अच्छा कमेंट कर दिया करें नीचे, है ना, कि सर जी थोड़ा सा और अच्छी क्या बात है सर जी, थोड़ा सा है ना कि बढ़िया है और सही कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, ऐसे उसमें देखिए आलोचना करना तो बनता है बिल्कुल। अगर लग रहा है आपको कि कोई भी चीज़ थोड़ा सा अलग है तो आप आलोचना करिए बिल्कुल, है ना, वो भी अच्छा लगेगा। तो आप थोड़ा सा भी मुझे अगर अभिप्रेरित करते हैं तो मैं सिलेबस को लेकर के और आगे बढ़ूंगा, ठीक है, कि चलो ठीक है और अच्छे से बताते हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट करवाते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन को लेकर के बात करना, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी जब आप अभिप्रेरणा की बात करते हो या फिर शिक्षा में अभिप्रेरणा की महत्ता क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका अभिप्रेरणा वाला टॉपिक था वो फिलहाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आपके एक दो टॉपिक्स बचे हैं जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, जैसे आपका पर्सनालिटी वाली बात होगी, व्यक्तित्व, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। और एक सबसे बड़ा जो सेगमेंट है आपका वो है समावेशी शिक्षा का। किसका है?
समावेशी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका ये, जिसको आप इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हो। आप लोगों को मैं अवगत करा दूँ, आप थर्ड सेमेस्टर में समावेशी शिक्षा पढ़ के आए हो, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ के आए हो। सारे टॉपिक्स, जितने टॉपिक समावेशी शिक्षा में थर्ड सेमेस्टर में हैं, सब कुछ आपका उसी यूपीटेट सीटेट के सिलेबस में दिया हुआ है, समझ रहे हो आप, सब कुछ दिया हुआ है। और आप अन अकेडमी पर जाइए, मैं आपको टेलीग्राम पर उसकी लिंक सीधे सीधे दे दूंगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा पूरे समावेशी शिक्षा का, क्योंकि चीज़ें सारी आपकी वही हैं। एक बार वहाँ पर जाओ, एक एक चीज़ें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। लगभग आपको 60 वीडियोज़ के आसपास मिलेंगे समावेशी शिक्षा के, एक एक चीज़ों को आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। समय हमारे पास कम है, ऑलरेडी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, ऐसे में सारे टॉपिक्स मैंने देखे हुए हैं, वही है आपका समावेशी शिक्षा से। तो आप वहाँ से अन अकेडमी से जाकर के पढ़ सकते हो, थर्ड सेमेस्टर में आपका दिया हुआ है। टेलीग्राम से आप अगर जुड़े हुए हो तो भी मैं वहाँ पर सारे वीडियोज़ में लिंक्स भेज दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर के चीज़ों को पढ़ सकते हो। दोस्तों ये था आपका, जब आप बात करते हो आपकी यूपीटेट के सिलेबस में सीडीपी में, जो मैं बात कर रहा था आपका अभिप्रेरणा के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसमें तो पूरा आपका नोट्स होगा ही होगा समावेशी शिक्षा का, उसके लिए परेशान बिल्कुल से मत होइएगा। लेक्चर मैं ले चुका हूं, अब आप लोगों को लगता है कि मुझे यहां भी फिर से वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, उसके बारे में भी हम देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।